नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो आज की मेरी रेसिपी है शकरकंदी से बनी हुई, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे गंजी भी कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ के उस त्यौहारों में बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने लाल वाले स्वीट पोटैटो लिए हैं, जो कि एक वाइट कलर के भी आते हैं, पर ये वाले उससे थोड़े मीठे होते हैं। आज जो मेरी रेसिपी है, इसके लिए मुझे खट्टे मीठे स्वाद के लिए ये मीठे वाले ही चाहिए थे। तो इसको बॉयल करके छील के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने। टुकड़े अपने पसंद के हिसाब से अपने साइज़ और शेप में रखिए आप। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया इसे। दोस्तों, ये काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। ये मैंने भुना जीरा ले लिया और चाट मसाला डाल दिया। तो ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें। लाल मिर्ची पाउडर है, आप व्रत के लिए अगर बनाएं तो उस हिसाब से चीज़ें डालें। हरी चटनी है ये, जिसमें मैंने धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन और नींबू डाल के इसे पीस लिया था। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें लहसुन आप अवॉइड करें। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। इसे शकरकंदी को फ्राई करके भी बनता है, मैंने उबाल के ही इसमें सब मिक्स किया है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये। तो तैयार है हमारी शकरकंदी की चाट, इसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। और भी मेरी रेसिपीज आने वाली हैं शकरकंदी की, तो ज़रूर उसे देखिएगा। और इस चटपटी चाट की रेसिपी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।